जय गुरुदेव स्टूडेंट्स एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम हेमलता पाठक, योर साइंस टीचर. एंड टुडेज टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. इन लास्ट पीरियड वी डिस्कस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड दे आर होलोजोइक, सेप्रोजोइक एंड पैरासिटिक. टुडे वी डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. The food that we intake is complex form and our body cells cannot use the food directly. जो food हम लेते हैं वो बहुत ही complex form में होता है और directly वो absorb नहीं कर सकती है हमारी body. So it is broken down into simpler forms and this process of converting complex food substances into simple soluble form is called digestion. The digestive system consists of the gut or the alimentary canal and its associated digestive glands. जो हमारा digestive system होता है उसमें alimentary canal होती है और साथ में कुछ digestive glands होती हैं. The food passes through this canal which starts at the buccal cavity ends at the anus. Now we can see in this diagram. We intake food from here. This is buccal cavity and these are salivary glands. This is pharynx and long tube like structure is esophagus. I will describe every part of alimentary canal one by one. Now you can see the diagram. This part is called liver. Liver is big digestive gland and it is the biggest part of our body. Then here it is J shaped. It is a stomach. Stomach ke niche hi stomach jahan par milta hai wo hoti hai small intestine. और स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी होती है वो थ्री पार्ट्स की होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. दीज थ्री पार्ट्स आर जो ये थ्री पार्ट्स मिलकर के इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं. स्टमक के बिल्कुल नीचे ही पैंक्रियास एक ग्लैंड होती है वो होती है एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन ये लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके मिलती है और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर रेक्टम एंड एनस. सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम. सो फर्स्ट पार्ट इज बकल कैविटी और माउथ. बकल कैविटी भी कहते हैं और इसको हम माउथ भी कह सकते हैं. इट इज कंटेन्ड विद इन टू जॉज. दो जॉ के बीच में होता है बकल कैविटी हमारी होती है, लोअर जॉ एंड अपर जॉ. एंड इन दिस बकल कैविटी टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड फॉर बेटर डाइजेशन एंड टीथ आर Four main types of teeth are there: incisors, canines, premolars and molars. So incisors are used for biting the teeth, canines used for tearing the teeth and premolars and molars used for grinding and crushing the teeth. Now we come to salivary glands. Salivary glands contain amylase. And there are three salivary glands: parotid, sublingual and mandibular. Amylase acts on starch present in the food to change it into sugar. Amylase जो होता है वो हमारे food में जो starch होता है, starch को sugar में convert करने का काम किसका होता है? Amylase का. देन सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद हम कम आते हैं अब ईसोफेगस पर. ईसोफेगस इज नोन एज फूड पाइप. इट इज वेरी नैरो एंड नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फूड पाइप.
आप देख सकते हैं ये इस तरह का होता है। इसमें जब भी कोई फूड आता है तो वहाँ पर ये इसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर फूड उससे नीचे आएगा तो फिर वहाँ का शेप चेंज हो जाएगा, ऊपर का आपका सेम रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे फूड नीचे जाता जाता है वहाँ पर थोड़ा सा शेप होता है, मतलब इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। फूड मूव्स थ्रू द ईसोफेगस थ्रू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। नाउ स्टमक, स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स थ्री पार्ट, पाइलोरिक, फंडिक एंड कार्डियक। ये शेप होता है स्टमक का। फूड इज चर्न विद डाइजेस्टिव जूसेज एंड HCl एंड दिस सेमी सॉलिड फूड इज कॉल्ड चाइम, इसको हम चाइम बोलते हैं। यहाँ पर जो फूड आता है स्टमक में, ये इसमें यहाँ पर HCl सीक्रेट होता है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी यहाँ पर सीक्रेट होते हैं। तो ये तो पार्शियली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर्स हियर, यहाँ पर प्रोटीन्स का कुछ पार्शियली डाइजेशन होता है। आफ्टर स्टमक वी कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमंस एंड हैज 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम में ही लिवर एंड पैंक्रियाज ये अपना सीक्रेशन, इसमें जो जूसेस होते हैं वो इसमें ड्यूडेनम में ही डालते हैं। एंड डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड इज कैरीड आउट हियर, यहाँ पर सारे तरह के फूड का डाइजेशन होता है। स्टमक में सिर्फ प्रोटीन्स का पार्शियली होता था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के फैट, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा, स्टार्च सिंपल शुगर में, एंड प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में। लिवर इज डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इट सीक्रेट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल बैग कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। एंड पैंक्रियाज इट इज अनदर ग्लैंड, इट सीक्रेट्स इंसुलिन विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर इन द बॉडी। सो हियर फैट कन्वर्ट इंटू फैटी एसिड्स, स्टार्च कन्वर्टेड इंटू सिंपल शुगर एंड प्रोटीन्स कन्वर्टेड इंटू अमीनो एसिड्स। सो हियर एब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू मिलियंस ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। विलाई आर रिचली सप्लाइड बाई फाइन ब्लड कैपिलरीज एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। छोटे छोटे विलाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी बहुत लंबी होती है, जैसा मैंने आपको अभी बताया 6 मीटर लॉन्ग। सो इट इज़ वेरी मच कॉइल्ड फॉर्म, इन कॉइल्ड फॉर्म में होती है। कॉइल्ड फॉर्म में यहीं पर छोटे 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 विलाई होते हैं। तो ये जो विलाई होते हैं ये क्या करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ पर उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर इन यही ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारी बॉडी के सारे सेल्स को जाते हैं, और रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू भी इसी के कारण होता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। हियर वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा डाइजेस्ट हो गया था, तो जो भी इसके बाद में अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर होता है वो सिर्फ यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द रिमेनिंग सेमी सॉलिड वेस्ट इज नोन एज फीसेस विच इज स्टोर्ड इन रेक्टम एंड थ्रोन आउट ऑफ बॉडी थ्रू द एनस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस।